हेलो सर, मनीषा का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। सर, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए दिवाली फायरवर्क स्टैश वर्थ ₹10,000। सो यार, आज की मैं सुबह क्या हुआ था, पटाखे खरीदने, तो मैंने फायरवर्क शॉपिंग का व्लॉग डाल दिया है। अभी तक आपने अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो जाके जल्दी से देख लो इस वीडियो के बाद। तो यार, ये पटाखे मैं वहीं से लेके आया हूँ। तो यार, आज की डेट है 27th of October। यस, 27th of October है आज। सो आज के दिन मैं काफ़ी सारे पटाखे खरीद के आया। मेन दिवाली की शॉपिंग मैंने आज की है, तो थोड़ा लेट हो गया। आई नो, बिकॉज यार मैं पुणे में रहता हूँ मतलब, तो पुणे से सपना आया दिन, उसके बाद आज अपन शॉपिंग कंप्लीट किए। तो आज की वीडियो में काफ़ी सारे पटाखों को अनबॉक्स करने वाला हूँ। तो इनका अराउंड मैं दो दुकान से शॉपिंग किया है, तो 10 से 12 हज़ार मैंने खर्च किए हैं दोनों दुकान के मिला के। तो उनका आज मैं सारे अनबॉक्स करने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाला है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। आज की वीडियो का लाइक एम रखते हैं सिर्फ और सिर्फ 1500 लाइक्स का, 1500 लाइक्स। आई नो गाइस, आप लोग जल्दी से कंप्लीट करा दोगे। अगर आप चाहो ना तो इसको 2 घंटे में भी आप 1500 लाइक्स कर सकते हो। देखते हैं आप लोग कितने घंटे में 1500 लाइक्स कर पाते हो। जल्दी से लाइक करो। अगर लाइक कर दिए तो अपन और अच्छे से और क्रैकर्स को अनबॉक्स करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग ये क्रैकर्स को अनबॉक्स करने वाले हैं। और मैं पहले बता दूँ, ये मेरा मेन स्टैश नहीं है गाइस। दिवाली का मेरा मेन दिवाली का स्टैश आएगा कल की वीडियो में, तो कल का वीडियो आप मिस मत करना। तो उसमें अपन मेन स्टैश आपको बता देंगे, एंड मेरे को भी काफ़ी पटाखे भी खरीदने। बाकी की बातें पर आगे करते हैं। आप लोग वीडियो को ये लाइक कर दो, 1500 लाइक्स का टारगेट है। एंड बाकी ये टी शर्ट है, मेरी दीदी ने मेरे को गिफ्ट किया था। तो अगर आपको भी ऐसी टी शर्ट्स लेनी, हमारा मतलब आप बोलते थे ना कि आप टी शर्ट का लिंक दे दो, तो सारा मैंने अब लिंक्स डाल दिए डिस्क्रिप्शन में, एक बार आप चेक करना। शूज़ जितने भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ना, सब आप डिस्क्रिप्शन से कर लेना, ठीक है। छोटा सा ऐड था, बाकी इग्नोर करते। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को अपन स्टार्ट करते। तो जी यार, ये है सारे पटाखे जो कि आज मैं खरीद के आया। अराउंड 10 से 12 हज़ार के अपने पटाखे हो गए, तो काफ़ी सारे डब्बे हो गए। आप जैसे देख सकते हैं काफ़ी भारी है। तो ये रॉकेट आ नहीं रहा, सबसे बड़ा रॉकेट लिया तो इसको मैं बाहर ही रख दिया, ठीक है। तो अपन पहले डब्बे को इधर करते हैं और इस डब्बे को उठाते हैं। सबसे भारी ये है इसके अंदर, क्योंकि एक स्पेशल चीज़ है, तो उसको मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो अपने ये देखो, दो डब्बे हो गए एंड एक रॉकेट हो गया। तो इतने पटाखे आए इसमें, काफ़ी प्रीमियम पटाखे इस बार लाया हूँ मैं, काफ़ी बड़े पटाखे लाया हूँ, तो मज़ा आएगा। तो चलो अनबॉक्सिंग चालू करते हैं अपनी ओल्ड स्टाइल में। जल्दी से वीडियो आप लोग लाइक कर दो। आप लोग को आज का वीडियो का लाइक गेम पता ही है कितना करना है, तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दो। 1500 लाइक से, ठीक है गाइस। तो आप लोग जल्दी से 1500 लाइक इस वीडियो पे कर दो। आज इसको खोलते हैं विथ ASMR। ऑलराइट, मोस्ट सेटिस्फैक्शन वाली आवाज है गाइस ये। एंड गाइस, जो मैं शॉपकीपर को स्पेशली बोला था कि मेरे को डब्बे में पैक करके दो, क्योंकि मेरी ऑर्डर्स को अनबॉक्सिंग देखने में मज़ा आता है, ठीक है। तो भाई ये रहे पटाखे अपने, वाओ, एकदम ब्रांड न्यू फ्रेश क्रैकर्स है गाइस ये। ये देख लो, आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूँ तो, एक इस टाइप के क्रैकर्स है गाइस, ठीक है। तो चलो जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। तो फर्स्टली आप यहाँ देख सकते हो, ये वाली लड़ी है गाइस। छोटी वाली लड़ी मेरे को मिली नहीं, वो स्टॉक खत्म हो गया था, तो मैं बड़ी वाली उठा के ले आया। ये अराउंड ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ये 500 रुपये का पड़ा है मेरे को गाइस, पूरा 50 रुपीज़ पर पीस, ठीक है। तो 500 का ये हो गया, काफ़ी बढ़िया है। 24 डीलक्स इसको अपन अपनी टेस्टिंग वीडियो में जलाएंगे। तो टेस्टिंग वीडियोज के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अभी तक आई होप ये वीडियो लाइक कर दिया होगा। इसको रखते हैं अपन साइड में, थोड़ा और साइड कर देते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं ये DSLR में। यार ये मेरी मम्मी ने बोला था कि कुछ यूनिक है DSLR टाइप का, ये देखो जिस टाइप का। ये स्काई शॉट है, छोटे वाले स्काई शॉट है, जो अपन पेंटा स्काई शॉट जलाते हैं ना, उसका ये दूसरा रूप का है। तो ये वाला अराउंड कितने का था मेरे को याद नहीं, शायद 200-250 रुपये का था। तो ये भी है अराउंड 1600, इसके MRP दिए, तो अराउंड 200-250 रुपये का ये ले लिया था मैंने। तो इसको रखते हैं अपन साइड में।
नेक्स्ट बढ़ते हैं एको रॉकेट। इस बार मैं यार रॉकेट की काफी रेंज लाया हूँ, बिकॉज आप सबको रॉकेट देखने में मजा आती है, तो रॉकेट्स की इस बार मैं काफी सारी वैरायटी लेके आया हूँ। जितने रॉकेट्स की वैरायटी थी, मैं बोला बंदे को, भाई सारे आप एक काम करो, मेरे को दे दो रॉकेट्स, अपन देखेंगे जला के कौन सा अच्छा रहता है कौन सा बेकार रहता है, सारे अपन उठा के ले आए। ठीक है, ये एको रॉकेट है गाइस, ये जिसके अंदर 10 पीस रहता है, ये अराउंड 100-150 रुपए का आता है। इनका मेरे को प्राइस है, मेरे को थोड़ा याद नहीं है, बिकॉज मैं एक साथ मैं देखो प्राइस पूछता नहीं हूँ। दिवाली के टाइम में मैं क्या करता हूँ, जो मेरे को पसंद आता है मैं क्रैकर्स को रखवा लेता हूँ, भाई ये वाला डाल दो, अपन रेट का आगे देख लेंगे, जितना भी होगा अपन पे करेंगे, तो वो सीन रहता है। एको रॉकेट हो गया, जितना मेरे को यार रेट का आइडिया है वो मैं आपको बता दूंगा। देन है विस्लिंग वाली चकरी, ये आप लोग बोल रहे थे कॉक की विस्लिंग वाली चकरी ले लो, तो मैं इसको ले आया, ये भी काफी बढ़िया आइटम रहता है यार, काफी तेज आवाज करती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं एक और रॉकेट में, ये वाला तो यार वहां साइड में रखा हुआ था, फटने वाला रॉकेट, रॉकेट बॉम्ब है, तो मैं इसको उठा ले आया। ये छोटे वाले रॉकेट है, इसके बाद अपन बड़े रॉकेट भी बढ़ेंगे उस डब्बे में, तो उसको भी अपन अनपैक करेंगे, अनबॉक्स करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं ये वाले डीलक्स वाले बॉम्ब में, लास्ट ईयर लिया था, काफी तेज आवाज होती है इसकी, एंड उस डब्बे में एक सरप्राइज भी है गाइस, जो मेरे को पटाखा मिल नहीं रहा था बहुत टाइम से, वो फाइनली मेरे को मिल गया है, तो वो भी एक सीन है। ठीक है, ये है यार, इसको ओपन करके आपको मैं दिखा देता हूँ, ये वाले कुछ इस टाइप के बड़े वाले सूतली बॉम्ब है, बहुत तेज फटते हैं। ठीक है, तो ये भी काफी बढ़िया आइटम है, इसको रखते हैं साइड पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं दारू पे, दारू कहाँ से आ गई, मजाक कर रहा हूँ गाइस, तो 1000 पाइपर्स का अनार है ये, तो इसको भी अपन जलाएंगे, अनार फाउंटेन है ये, अराउंड 400 रुपए का पर पीस आया है। इसके मेरे पास दो है, एक सिग्नेचर की है, एक 1000 पाइपर्स है, तो ये भी अपन जलाएंगे। कितने लोग इसके शौकीन हो एक बार कमेंट में बता दो, मैं तो नहीं हूँ गाइस, आप लोग अगर शौकीन हो तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो इसको अपन रखते साइड पे। अगला बढ़ते अपन मनी हाइस्ट में, सो ये मनी हाइस्ट मैंने गाइस फाइनली परचेज कर लिया, मनी हाइस्ट के स्काई शॉट्स, तो कुछ इस टाइप के स्काई शॉट है, ये अराउंड 400 रुपए में 3 पीस मिले हैं मेरे को, तो ये भी काफी बढ़िया आइटम है, इसको भी अपन जला के देखें। जावा कंपनी का, जावा तो बाइक्स बनाती है, आई डोंट नो वो स्काई शॉट उससे बनाने लगी गाइस, ठीक है मजाक कर रहा हूँ, तो ये भी अपन जलाएंगे। ये सब दिवाली का आइटम ले आया मैं, एंड अगर अभी जब तक आपने मेरी शॉपिंग वाला व्लॉग नहीं देखा है, जाके देखो, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाके आप शॉपिंग व्लॉग देख सकते हो। एंड एक बार कमेंट करके बताओ, अगर आप अभी तक आप ये वाला यहाँ तक देख रहे हो व्लॉग को, तो आप कमेंट क्या करोगे यार, मैं सोचता हूँ कुछ आपको बताता हूँ कमेंट में, थोड़ा आगे सोच के बताता हूँ आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं ये वाला बिगेट वाला स्काई शॉट, एलिफेंट कंपनी का, ये वाला यार कंपनी ना बहुत कम ऑफ स्काई शॉट ये वाले बना रही है या भेज नहीं रही है बंदों को, तो वो एक सीन है। तो ये एक ही पीस पड़ा था, मैं उसको ले आया, 500 रुपए का एक पड़ा है, बिकॉज ये शॉर्टेज चल रही, लास्ट पीस ही बचा था, तो मैं इसको 500 में ले आया। वैसे रिटेल में भी काफी महंगा बिक रहा है, 800 में बिक रहा है, क्योंकि इसका फंक्शन अच्छा होता है यार, ब्रांड वैल्यू बन गई है, शॉर्टेज हो गई है, तो वो एक सीन है, रेयर प्रोडक्ट है, तो इसको मैं ले आया। ठीक है, इसको अपन रखते साइड पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, ये क्या चीज है, ये भी एक कलर फाउंटेन है, क्रैकलिंग वाला है, इसमें फ्लैश है, तो ये क्रैकलिंग वाला अनार है, ये भी काफी बढ़िया आइटम है, 400 रुपए के, 450 का 3 पीस पड़ा है, तो ये भी काफी यूनिक आइटम था, तो मैं इसको ले आया। काफी गाइस इस बार मैं यूनिक पटाखे लेके आया हूँ, तो वो अच्छी चीज है। ठीक है, इसमें एक चीज है गाइस, इसको मैं लास्ट में दिखाता हूँ आपको, ये काफी महंगा भी पड़ा है, काफी यूनिक आइटम है, तो इसको अपन साइड में रखते हैं, आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, ये आगे डब्बा इधर, ये आपको दिखता भी रहेगा, आपको शायद दिख रहा है वो, मैं आपको आगे बताता हूँ। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं ये वाला रॉकेट में गाइस, सुप्रीम वाला, ये अराउंड 350 रुपए का एक डब्बा पड़ा है मेरे को, इसको मैं अगर आपको ओपन करके दिखाऊं कैसा रॉकेट है ये मेरे को देखते ही पसंद आ गया था, तो मैं इसको भैया को बोला, रेट भी नहीं पूछा, मैं बोला दे दो इसको, अपन इसको देखेंगे जला के, तो ये सुप्रीम का सबसे बड़ा रॉकेट लाया हूँ। ओके गाइस, कितना प्यारे रॉकेट है यार ये वाले, आप देख लो, कुछ इस टाइप के रॉकेट है गाइस। ठीक है, तो इसके अंदर 6 ही पीस है, महंगे भी है, बट इसका इफेक्ट अच्छा होगा, आई नो, तभी मैं इसको ले लिया है। ठीक है, तो अपनी आधी वीडियो यहाँ तक थी, आधी वीडियो यहाँ से चालू करते हैं, तो वीडियो थोड़ी लंबा होगा गाइस, तो उसके लिए मजे करो आप लोग, देखो। एंड हाँ, अभी अगर यहाँ तक आप देख रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके आओ, क्या बोले यार, याद नहीं आ रहा, लास्ट टाइम उन्होंने पैंडा बोला था, तो काफ़ी लोगों ने पैंडा कमेंट भी किया था, तो वो वीडियो काफ़ी चली थी, तो इस वीडियो में आप लोग कमेंट करो सकते हो। मैं इसको ओपन करता हूँ, 2-3
को ओपन ओपन करते हैं बॉक्स को। ये काफ़ी बड़ा बॉक्स है, तो अगर अभी तक यहाँ तक देख रहे हो वीडियो तो एक बार आप कमेंट करके आओ कुछ दिख जाए मुझे कमेंट करने के लिए। यार मेरे को याद ही नहीं आ रहा अपन आप कमेंट क्या करोगे। चलो आपको जो मन आ रहा था आप वो कमेंट करो, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, अब रॉकेट की वैरायटी में आते हैं अपन। तो ये तीन तरह के रॉकेट्स मैंने लिए, मैंने इसको आपको बताया कि मैंने रॉकेट्स की काफ़ी सारी वैरायटी ली है। तो एक सनशाइन का है, एक राजू कना का है, एक है राजन का। तो देखो कुछ इस टाइप के रॉकेट्स हैं। तो फर्स्ट अपन इसमें बढ़ते हैं, ये सब शायद 200 की रेंज के रॉकेट्स हैं। तो ये बंद है, इसको अपन जब टेस्ट करेंगे तभी आपको मैं दिखाऊंगा। एक ये रॉकेट हो गया, ठीक है, एक ये रॉकेट हो गया ये वाला। इसके अंदर सारे में 10-10 पीसेज हैं, तो इन सबको अपन नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट करेंगे। खुला भी हुआ ही कुछ इस टाइप का है, ठीक है गाइस। इसमें क्या लिखा हुआ है, कुछ तो लिखा है, बढ़िया है। ठीक है, ये अपन रखते हैं साइड पे। और एक ये वाला रॉकेट है, ठीक है। तो इसमें ट्रैकलिंग, रॉकेट ट्रैकलिंग लिखा हुआ है, तो काफ़ी बढ़िया है, इसको रखते साइड पे। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं ये वाले सूतली बम पे, फौजी बम इसको बोलते हैं। ये वाला काफ़ी यूनिक मेरे को लगा था, फौजी बम चांदनी कंपनी का है। तो ये कुछ इस टाइप के हैं फौजी बम, ये भी काफ़ी बढ़िया आइटम है। एंड आई डोंट नो इसने टॉप टाइगर किधर डाला, मैं टॉप टाइगर लेके आया हूँ यार। वो वैसे बैन है अभी इस समय, तो वो मैं ले आया। तो हाँ, अगर अभी तक आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो एक बार कमेंट करके आओ मैक्स MAX, तो देखते कितने लोग यहाँ तक वीडियो देखें। आई होप यार देख ही रहे होगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन ये लालटेन में। तो ये काफ़ी बढ़िया आइटम रहता है, रेड कलर की लालटेन है गाइस, ठीक है। तो ये काफ़ी दिवाली पे चलता है, तो ये मैं दो लाए हैं, दो और हैं, तो इसको अपन साइड पे रखते हैं। हाँ आ गए गाइस अपन फाइनली टॉप टाइगर पे। इस बार मैं ले आया गाइस टॉप टाइगर, ये देखो ये कुछ इस टाइप के टॉप टाइगर है गाइस। इसके मैं दो डब्बे लेके आया हूँ, मेरे को 250 रुपये का एक पड़ा है। इसके एक बड़ा वाला भी आता है जो 350 का आता है, वो अपन दिवाली के दो दिन पहले हम लोग को मिल जाएगा, हम लोग को वो जाके खरीदना है, ठीक है। तो ये टॉप टाइगर आ गया, काफ़ी तेज बस्ता है यार ये। इसके दो डब्बे मैं ले आया हूँ गाइस, ठीक है, इसको रखते हैं अपन साइड पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन ये वाली कलर कोठी में, सनशाइन की कलर कोठी है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा चलती है और इसका इफेक्ट भी अच्छा आता है, एंड अपने रेट के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है, 250-300 में आपको एक डब्बा मिल जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, दो और हैं गाइस ये लालटेन, ये देखो दो लालटेन और ले आया, ब्लू कलर की है और दो रेड वाली है। ये अपन रखते हैं साइड पे। नेक्स्ट अपने पास ये दो स्काई शॉट गाइस, ये 400-400 के, एक है ईगल का रंग सपना है। इसके शायद काफ़ी सारे इफेक्ट आते हैं, इसके शॉपकीपर शायद 4 या 5 बोले, ऊपर जाके 4 से 5 बार फटेगा। तो देखते हैं इसको टेस्ट करके इसको कितने, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार फटेगा ऊपर जाके। अब देखते हैं बोलो ऊपर जाके 7 बार फटता है कि नहीं, ईगल का है, लेट्स सी कैसा होता है। इसके मैंने दो डब्बे ले लिए थे गाइस, दो स्काई शॉट लिए हैं, ठीक है। ये देखो कुछ इस टाइप के स्काई शॉट हैं, इसको रखते हैं साइड। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, ये है शायद यार, हाँ 30 शॉट से, ये काफ़ी भारी है, ये अराउंड 700 रुपये का आया गाइस। ये देखो मैक्स का 700 या 800 कुछ का आया है ये, तो 30 शॉट से काफ़ी अच्छी ब्रांड का, काफ़ी भारी है, तो इसको भी अपन जला के देखेंगे। ये डब्बा हो गया है गाइस खाली, एक बार मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है। इसको रख दे साइड पर, ये स्काई शॉट आ जाएगा इधर, ईगल का ये इधर डाल दे। लास्ट अपन बढ़ते हैं इसके अंदर, काफ़ी भारी है ये। ऑल राइट, ये भी एलिफेंट का स्काई शॉट है यार, बिग कंपनी का। ऑल राइट, ओह भाई बहुत भारी है ये वाला। तो पहले डब्बे को मैं साइड पे रखता हूँ। तो ये है यार पीकॉक डांस, ये देखो ये मैंने लिया है यार 1500 रुपये का, काफ़ी महंगा है आई नो, बट इसका इफेक्ट काफ़ी अच्छा आता है। जो भी फायर वर्क्स लवर होंगे वो समझेंगे यार ये इतना महंगा क्यों है, इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। अब देखते हैं वाला कैसा बजेगा, इसके अंदर शायद 15 शॉट्स हैं, ठीक है, 15 या कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 3, 27, आई डोंट नो कितने शॉट्स हैं। इसको अपन जला के ही देखेंगे, ये एक साथ पूरा पीकॉक बनेगा, तो ये काफ़ी बढ़िया इफेक्ट आने वाला है। तो इसके अगर आपको टेस्टिंग देखनी है तो आपको मेरे चैनल पर
बने रहना पड़ेगा ऐसी वीडियोस के साथ। तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब गाइस, ठीक है। इसके अगर हम MRP देखें तो 7,000 रुपए की दी हुई है गाइस, एनी रिटेल में यार 2,500 का बिकता है। काफी महंगा स्काई शॉट है यार, ये देखो कुछ इस टाइप का स्काई शॉट है ऑलरेडी। इसके अंदर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 3, 27 शॉट्स है इसके अंदर। तो एक बार में 9 शॉट्स शायद एक साथ जलने वाले हैं, तो इसको अपन देखते हैं वाला कैसा इफेक्ट आने वाला है। काफ़ी महंगा है, 1500 रुपये का है, एंड रिटेल में आराम से 3,000 रुपये का बिकेगा गाइस, इतना तो पता ही है। तो इसको मैं ले आया, मैं पहले नहीं ले रहा था इसको गाइस, ये ग्रीन फायरवर्क है। इसका शॉपकीपर ने बोला है इसकी आवाज़ नहीं आती है, क्योंकि ये बस इफेक्ट आता है। तो देखते हैं वाला ग्रीन फायरवर्क कैसा वर्क करता है। मैं लेने नहीं वाला था क्योंकि काफ़ी महंगा था, बट मैं बोला चलो इस बार दिवाली है तो ट्राई करके देखते हैं आप सबके लिए। इसको मैं उठा के ले आया, ठीक है। तो अपने देखो यार इतने क्रैकर्स हो गए, 10 से 12 हज़ार कितना हुआ, 10,000 हो गया शायद इसका। तो मैं दो अलग अलग दुकान से लिया था पटाखे गाइस, तो 10,000 टोटल मेरा बिल बन गया था। तो अभी ये मेरा मेन स्टैश नहीं है गाइस, ठीक है। मेन स्टैश मेरा आएगा कल, कल की वीडियो में आपको मेन स्टैश दिखा दूंगा। अभी मेरे को इसमें लड़ी वगैरह लिया नहीं है मैंने, क्योंकि लड़ी वगैरह बैन है। मैंने जहाँ से बात की है वहाँ से मेरे को लड़ी मिल जाएगी, तो मेरे को अभी लड़ी भी लेनी है। 10,000 वाला, 5,000 वाला और 2,000 वाला, हम तीन लड़ी लेंगे। तो वो अराउंड कितने का आएगा, शायद 3,000 तक में तीनों लड़ी आ जाएगी अपनी। तो वो मेरे को लेना है अभी, तो वो अपन नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा मैं लड़ी कहाँ से ले रहा हूँ। शॉप तो शायद नहीं दिखा पाऊंगा, बट आपको लड़ी दिखा दूंगा कि मैंने लड़ी ले ली। तो वो एक सीन है। बाकी इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके रखो यार, मैंने अभी इसकी ना स्टोरी डाल दिया, अभी मैं इसकी जस्ट एक स्टोरी डालता हूँ आपके सामने। तो मैंने इंस्टा पे स्टोरी डाल दी जब मैं खरीदने गया था, और इसके अपन अनबॉक्सिंग कर रहे थे, तो इसकी भी मैं स्टोरी डाल देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी वगैरह डालता रहता हूँ, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखो, वहाँ सारी मैं अपडेट्स आपको दे देता हूँ कब मैं वीडियो बना रहा हूँ, कितने बजे डालने वाला हूँ। और अभी अपनी 3 से 4 वीडियोस आ रही है दिन के दिन में, तो फॉलो करके रखो। और मेरे YouTube पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बाकी मैंने आपको क्या कमेंट करने को बोला था पहले, आप वो कमेंट कर देना वीडियो के नीचे। अब आप लोग कमेंट करके बताओ आपको इन सब में से बेस्ट क्रैकर कौन सा लगा, और सबसे पहले आप किसकी टेस्टिंग देखना चाहोगे। अगर आप मेरे से पर्सनली पूछोगे तो मैं तो पीकॉक डांस के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होगा, इसके लिए सबसे महंगा पटाखा यही है, ठीक है। 1500 रुपये का पटाखा है, तो मेरे को देखना होगा यार कितना अच्छा चलेगा। बाकी तो सब पटाखे इस बार यूनिक ही लाया हूँ मैं, कुछ मतलब ऐसे रिपीट नहीं है। सुप्रीम वगैरह रिपीट होते हैं, बट सारे क्रैकर्स इस बार यूनिक है। तो अपन काफ़ी मज़ा आने वाला है गाइस, दिवाली का ब्लॉग आप लोग मिस मत करना, इन सब क्रैकर्स को अपन फोड़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो से अपन टेस्टिंग वीडियो बनाएंगे, तो उसमें काफ़ी क्रैकर्स इंक्लूड भी हो जाएंगे। हाँ जी, तो कैसी लगी यार वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। ओल्ड स्टाइल में आप लोग मांगते थे कि यार भाई मोनिश भाई आप पुराने जैसे वीडियो बनाते थे, लंबी वीडियो वैसी आप बनाओ, तो कैसी लगी एक बार कमेंट करके बता देना यार। काफ़ी मेहनत लगती है सब वीडियो बनाने में, क्योंकि ऐसा है ना मैं अभी छत पे हूँ, ठीक है, और जहाँ मैं अनबॉक्स करता हूँ वो फर्स्ट फ्लोर पे, तो इतने भारी पटाखे थे यार, तो इसको मेरे को लाना पड़े, इन मच्छर पता नहीं कहाँ से आ गए, इग्नोर करना, ठीक है। तो आप लोग बताना आप लोग को ये वाला फायरवर्क्स अनबॉक्सिंग वाला वीडियो कैसा लगा। अब इनके अपन टेस्टिंग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, एंड एक बार आप कमेंट करो आपको और कितने के स्टैश के बजट के पटाखे देखने। जैसे 10,000 हो गया, मैंने पहले 2,500 बनाया हुआ है, 1,000 के भी हमने पटाखे अनबॉक्स किए, 1,500 के भी किए, 500 के शायद याद नहीं किए कि नहीं। तो एक बार आप कमेंट करो कि आपका कितना बजट है, तो उस हिसाब से मैं फायरवर्क्स की अनबॉक्सिंग करके आपको बता दूँगा कि आपके अगर फॉर एग्जांपल 1,000 का बजट है, तो 1,000 के बजट में आपको कितने पटाखे आ सकते हैं कमेंट करके बताओ, तो मैं उस हिसाब से वीडियो बना दूंगा। एंड यार एक कन्फ्यूजन बहुत है अभी कि दिवाली 31 अक्टूबर की है या 1 नवंबर की है, काफ़ी लोग कन्फ्यूज हैं, क्योंकि मैं पुणे में रहता हूँ तो वहाँ पर लोग 1 नवंबर को बना रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग 31 को बना रहे हैं, और यहाँ पे कुछ लोग 1 को ही बना रहे हैं। तो एक बार आप लोग कमेंट करो आप लोग कब दिवाली सेलिब्रेट करोगे, तो उस हिसाब से मेरे को भी पता लग जाएगा हाँ भाई 31 की दिवाली है या 1 की दिवाली, तो अपन वो देख लेंगे। बाकी अपना क्या, अपन तो जब दिवाली का मौका होता है अपन दिवाली बना रहे थे डेली, तो वो सीन है। तो आई होप गाइस आप लोग ये वीडियो एंजॉय की होगी। तो अभी अपने को और पटाखे गाइस खरीदने, तो अभी मैं बताऊँ मेन जहाँ पटाखा मंडी लगती है मेन, तो वहाँ पे मैं जाने वाला हूँ, आज शायद रात में जाऊँगा या कल जाने वाला हूँ। तो अपन वहाँ जाके भी काफ़ी शॉपिंग करने वाले हैं, क्योंकि वो रिटेल प्रॉपर रिटेल की मार्केट जैसे बोलते हैं जिसको पटाखा बाज़ार लगता है, तो प्रॉपर वो लगने वाला है। तो अपन वहाँ भी जाएंगे, काफ़ी सारे अपने को पटाखे भी खरीदने जैसे मैं आपको वीडियो में बताए, ठीक है। तो वो देखते हैं कैसी वीडियो वो बन पाती है।
तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना गाइस। इसकी टेस्टिंग वीडियो आएगी नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी सारी टेस्टिंग अभी बनानी है हम लोग को, तो काफ़ी लंबी वीडियो ये हो गई, तो अपन ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर, एंड आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, बाय।